नमस्ते, गुड इवनिंग। हम ये थाउजेंड अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय के एक एक चैप्टर या दो चैप्टर्स हर एक सेशन में कर रहे हैं। उसी के सीरीज में आज हम 24वां जो अध्याय है, फ्लावर्स ऑफ जॉय, उसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। इससे पहले हमने देखा कि माँ लक्ष्मी जी जो है अपने कई सारे अवतारों के बारे में बता चुकी हैं, और पिछले वाले अध्याय में उन्होंने ये बताया था कि गोइंग विद इन एंड विदाउट, यानी गोइंग बियॉन्ड विद इन एंड विदाउट, अर्थात कि उन्होंने ये कहा था संक्षेप में कि जैसे बच्चे की तरह ना उसे अच्छे का पता, ना उसे डर का पता, ना उसे खुशी का पता, लेकिन वो सिर्फ होता है। तो उस तरह हमें प्रेरणा दी है देवी माँ ने कि हम उस तरह रहे। तो आगे करुणेश जी जो इस अध्याय में शुरुआत में ये पूछ रहे हैं या ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं देवी माँ से कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। यहाँ पर ये अध्याय शुरू होता है 24, जिसका नाम है फ्लावर्स ऑफ जॉय। लिसनिंग टू यू फील सो नरिशिंग टू माई सोल। तो देवी माँ कहती हैं कि जैसे एक फूल होता है, फूल का हम सामने आते हैं, आजकल दिवाली का मौसम चल रहा है, आज दिवाली के मतलब छोटी दिवाली है आज, तो सब जगह फूलों की रंगोली, कलर्स, दीपक इस तरह का होता है। तो उस तरह वो फूल को, अपने आप को और फूल को एक उदाहरण की तरह, एक सिमिली की तरह यूज कर रही हैं। जैसे एक फूल जो है सभी को हील कर देता है, यानी कि उसमें जो भी चीजें हैं, चाहे खुशबू है, रंग है, उसकी जो एक एनर्जी है, उस वो सामने होते ही हम कैसे खुशी का महसूस करने लगते हैं, एक मुस्कुराहट सी आ जाती है उसके सुगंध से। तो द फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर रेजेस द वाइब्रेशन ऑफ द वन हु स्मेल्स इट। तो देवी कहती है कि उसी तरह जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं वो फूल की तरह होते हैं, और वो एक किस्म का जॉय, आनंद, अलौकिक आनंद हमें देते हैं, और हम उनका प्रयोग, देवी का प्रयोग या डिवाइन बीइंग्स का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं कि उनको अपने सामने लाके या उनकी एनर्जी से कनेक्ट होके हम भी अपनी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उसका हम मतलब उससे आगे जा सकते हैं, हम ड्रॉप कर सकते हैं, अर्थात कि हम उन्हें छोड़ सकते हैं, और उस एक एक जॉय का, एक आनंद का, एक खुशी की महसूस कर सकते हैं अगर जब हम किसी डिवाइन बीइंग्स के सामने जाते हैं या उससे कनेक्ट होते हैं, जैसे एक फूल से कनेक्ट होते हैं। तो वो कहती हैं कि फिर एक और उदाहरण देती है, तो बुद्धा के बारे में बोलने लगती हैं, गौतम बुद्ध के बारे में, मतलब कि वो क्या एथिस्ट थे, उन्होंने क्या डिवाइन बीइंग्स को बिल्कुल ही नकार दिया था, या भगवान, गॉडेस, देवी इस तरह की बातों को नकार दिया था। नहीं, वो कहती है, देवी कहती कि नहीं, बुद्धा ने इनको नकारा नहीं था, देवी देवताओं के, बल्कि हमारी जो धारणाएं हैं, जो सीमित धारणाएं हैं, उसको वो रिजेक्ट कर रहे थे, उसको नकार रहे थे, या हमारी जो धारणा, सीमित धारणा है कि भगवान इस तरह के हैं और वो अलग हैं और हम उनको उनके जैसा नहीं बन सकते, या उनको उनका अनुभव नहीं ले सकते, उनको मतलब उनसे एक किस्म से जुड़ नहीं सकते, उनका अनुभव नहीं कर सकते, इस बात को वो नकार रहे थे। तो आगे देवी माँ इसी प्रश्न उत्तर आगे चलता रहता है। तो देवी तो आनंद करुणेश जी कहते हैं, तो कौन सी जो चीजें हमें मतलब छोड़नी चाहिए देवी या गॉड इस तरह की एनर्जी से जुड़ने के लिए, या डिवाइन बीइंग्स की एनर्जी से जुड़ने के लिए, हमें कौन से जो बिलीफ सिस्टम है, कौन से हमारी जो सोचने का तरीका है, वो कौन सा तरीका हमें छोड़ना चाहिए या उससे दूर जाना चाहिए। तो देवी माँ कहती हैं कि जो हमारा एक, जैसे हमारा में एक विश्वास सा पैदा हो गया है कि हमें भगवान, एक भगवान की जरूरत है, या भगवान जैसी चीज की जरूरत है, जो ये वाली चीज से हमें मतलब हमें इससे दूर जाना चाहिए। हम अपनी जब वाइब्रेशन को, हम अपनी जब ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं या जुड़ते हैं किसी
डिवाइन बीइंग से, तो वो है जिस तरह हम फूल से जुड़ते हैं, तो हम अपना जो कैसे और उस डिवाइन बीइंग से, उस कहने के लिए वो हायर वाइब्रेशन से कैसे हम जुड़ सकते हैं जस्ट बाय सरेंडरिंग टू आर हायर सेल्फ। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा कि हम किसी एक डिवाइन बीइंग के अंश मात्र है, यानी कि हमारा हायर सेल्फ है। तो ध्यान में या किसी ड्रीम में या किस कोई इस एक्सपीरियंस में हमें कभी कभी हायर सेल्फ से जुड़ने का अनुभव होता है, और वो अनुभव काफी आनंददायक या हमें कभी मोटिवेशन भी मिलती है अपने हायर सेल्फ से। तो उससे सरेंडर करने का भी एक तरीका होता है कि हम उस डिवाइन बींग्स या डिवाइन बींग्स की एनर्जी से जुड़ सकते हैं। तो इसको उदाहरण के ले लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से कि ठीक है ये ऐसा हो रहा है, तो उसमें वो भी एक तरीका है कि हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं। तो ऑल डिवाइन बींग्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर हायर सेल्फ। तो जो डिवाइन बींग्स हैं वे भी उसी जो हमारा हायर सेल्फ है उसी की तरह के, वो उसी से बना हुआ है। व्हाइल डिवाइन बींग्स कैन हेल्प मच विथ योर स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, यू डू नॉट नीड देम। देखिए दोनों तरीके हैं, वो हमें गाइड भी कर सकते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम डिवाइन बींग्स या गॉड या गॉडेसेस उन्हीं के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा क्या बोलेंगे, एक छोटी सी डिफरेंस हो सकती है, छोटा सा भेद हो सकता है कि हमें उनकी जरूरत है भी नहीं, और अगर हम लेंगे तो हमारे अध्यात्म में क्या रास्ता खुल भी सकता है। तो दोनों को ही हमें समझना है कि हम किस तरह उनके नजदीक भी जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये धारणा बना लेना कि सिर्फ भगवान ही उस स्थिति को में पहुंच सकते हैं, ये वाली चीज से हमें अलग रहना है, दूर रहना है या ड्रॉप कर देना है। द बिलीफ दैट गॉड इज मेल एंड सिंगुलर, ये ऐसी भी बिलीफ कि वही एक एक चीज है या एक शक्ति है, वो मतलब पुरुष जैसा है, पुरुष मेल है, ये वाली बिलीफ भी हम छोड़ दें। नो दैट दिस इज द ग्रेट गार्डन ऑफ यूनिवर्स, डिवाइन बींग्स ब्लॉसम लाइक फ्लावर्स ऑफ जॉय, डिवाइन बींग्स में एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज गॉड गॉडेसेस और एंड्रोजाइनस फॉर्म्स ऑल जॉइंड इन वननेस विद इनफाइनाइट मर्जिंग इनटू लार्जर इन्फिनिटीज। तो ये वाली बात हमें मतलब अपने लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में कि जो भगवान जैसी शक्ति है या जो भगवान ये यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में है, उसके बारे में हमारे जो भी दिमाग में हमने बिठा रखा है उससे हमें परे सोचना है। तो वो जो भी है वो हमारे दिमाग से परे है या हमारी कल्पनाओं से परे है, और वो तो द बिलीव दैट गॉड जजेस यू, इसको भी छोड़ना होगा। यानी गॉड से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड जो जो हमने धारणाएं बना रखी हैं उन सब से हमें परे होना पड़ेगा। और कि वो मैंने कर्मा का सिद्धांत भी वो ही, मतलब कभी कभी ऐसे जोड़ लेते हैं कि भगवान हमसे रूठ गए या कुल देवता हमसे रूठ गए, इसके लिए ऐसे हुआ। तो हमारी श्रद्धा है कि हम अपने कुल देवता या देवी के आगे कुछ चढ़ाएं, लेकिन वो हमसे रूठ गए हैं, इस तरह की धारणाओं को हमें उससे दूर जाना चाहिए। लव इज लाइफ वाइब्रेटिंग एट अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड डिवाइन बींग्स आर लविंग वाइब्रेटिंग एट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, ऑल जजमेंट्स डिजॉल्व इन सच डिवाइन लव। तो मतलब कोई जजमेंट हमें अपने पर भी नहीं करना है और भगवान के बारे में भी इस तरह की बातें नहीं सोचनी है कि वो हमें जज कर रहा है, क्योंकि भगवान तो इनफाइनाइट है, और ना वो तो हमें कोई जज कर रहा है, ना वो हम पे मतलब हमारी गलतियों को इस तरह से जज कर रहा है, ना ही वो हमें कंट्रोल करने चाहता है। तो इस तरह की धारणाओं से हमें मतलब आगे चलना, बढ़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो आनंद करो, ने आप भी बड़े खुश हो गए होंगे ये सुनकर, और आप शायद जानते भी होंगे लेकिन इस किताब में लिखा हुआ है इस अध्याय में, तो ये बात हमें दोबारा से जब हम सुनते हैं, जानते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। तो आनंद करुणेश जी भी वाह करके मतलब बोलते हैं, वाह मतलब ये जो मुझे है भगवान के बारे में ये जानकर, ये भगवान जैसे शब्द के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, फील लाइट। तो फिर आगे बात होती है कि गॉड रिप्रेजेंट्स द डीपेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर हायर सेल्फ।
यानी कि जो अंतर हमारा जो भी एक मुखर एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, उसका जो सबसे डीपेस्ट यानी कि सबसे जो गूढ़ या सबसे डीप है वो हायर सेल्फ, वो भगवान है। अर्थात कि वहीं से हम सब आए हैं, और अगर लेयर लेयर में बढ़ते गए हैं कि तो उसका जो डीपेस्ट या सोर्स या जो मूल है वह भगवान, उस भगवान उस उसमें है, या भगवान वो रिप्रेजेंट करता है, भगवान जो कॉन्सेप्ट है। तो ये जो भी रिलीजन है या कुछ भी जो भी कोई भी रिलीजन दुनिया का, उसमें मेल गॉड या इस तरह का जो बनाया गया है वो, उससे हमें बाहर निकलना है या उसे छोड़ देना है। तो करुणेश जी बोलते हैं कि हम अपने दिमाग को हम अपने दिमाग में जब ये धारणाएं कर लेते हैं तो हम वो डिवाइन बीइंग या हायर सेल्फ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम अपने दिमाग से आगे कैसे निकले? तो तब देवी कहती हैं कि एक सूरज की कल्पना कीजिए कि सूरज जिससे बहुत सारा उजाला आ रहा है, मतलब खूब सारी उसमें से ऊर्जा निकल रही है, बहुत चमकीला है। तो वो जो ऊर्जा है, वो सन है, वो सूरज है, वो सिर्फ है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो हमारी दिमाग की कल्पनाओं से अलग है। यानी कि वहां कैसे ऊर्जा बनी, वो मूल रूप में कैसा था, वहां से ऊर्जा हम तक कैसे पहुंच रही है, ये सारी चीजें जो है वो हम अपने दिमाग में, जब हम उसके प्रश्न को नहीं सोचेंगे तब हम सिर्फ ये सोचेंगे कि सिर्फ भगवान है या सूरज है। आई रिलीज दैट एंड आई सी मोर क्लियरली। यानी कि हम अपने जो बिलीफ सिस्टम, जो भी हमारी हमने पढ़ के समझ के जितनी भी बनाई हुई है, अगर हम उसे रिलीज कर दें और ये कहें कि हम, मतलब ये चॉइस करें, हम ये सोचें कि आज से मैं ये सोचूंगा, क्लियरली बिल्कुल सही तरीके से देखने का प्रयास करूंगा, तो वो तब हम दिमाग के परे जा सकते हैं। तो इस तरह ये बातचीत होती रहती है। आप भी पढ़िएगा, ये काफी अच्छी मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा गूढ़ भी कॉन्सेप्ट है। तो तब आनंद करुणेश जी बोलते हैं, तो देवी के रूप में आप जब देवी हैं, आप क्या थोड़ा बहुत ये बता सकती हैं कि वहां, क्योंकि हमने पहले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि शून्यता से सबको जन्म हुआ है और वो सभी कुछ खाली है, एम्प्टी है, और वो शून्यता किस तरह से हमें अपने दिमाग, मतलब जो हमने ये अपने बिलीफ सिस्टम, जो मेंटल इमेजेस बना रखी हैं, वो उससे परे, जब हम दिमाग से परे चले जाते हैं, तो आनंद करने जी एक बहुत ही मतलब पूछ रहे हैं कि हम, हमें तो सिर्फ पता है कि हम दिमाग से सोचें और लॉजिकल सोचें, लेकिन वो शून्यता तक पहुंचने पर कैसा लगता है? तो आप देवी हैं, आपने वो सब देखा है, समझा है, और आप अनुभव कर चुकी हैं, तो आप थोड़ा हमें बताइए। तो देवी माँ हंसने लगती हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि आप ऐसा समझें कि जो हम एक मेकिंग लव, यानी कि जब हम पैशनेटली एक अपने पार्टनर के साथ लव मेकिंग कर रहे हैं, तो तब एक अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो वो आनंद कैसा होगा? वो कुछ क्षणों का ना होकर अगर वो हर समय ही उस तरह का आनंद होता रहे, तब कैसा आपको लगेगा? तब वो कह रहे हैं कि अगर हमारा, हम अपना दिमाग उसमें चीज में ले आते हैं या अपने दिमाग से फिर सोचने लगते हैं, तो वह आनंद जो है वो कुछ ही क्षणों का होता है, लेकिन अगर वो हर समय चलता रहे वैसा आनंद, तो वो किस तरह का होगा? तो क्रिएशन उस तरह के आनंद से या अलौकिक आनंद से पैदा हुई है। तो तब यहाँ पर इनफाइनाइट एग्जिस्ट विद इन इनफाइनाइट, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी एम्प्टीनेस, ऐसी शून्यता जो है वो जो है हमारे कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ा रही है। मतलब इस तरह का अलौकिक जो जॉय है, प्राइमोडियल जॉय है, उससे यूनिवर्स बन रहा है। सो द
आवर यूनिवर्स में हैव क्रिएटेड बाय द लव मेकिंग ऑफ गॉड्स? यस इट वॉज। तो क्योंकि हम सिर्फ लव मेकिंग का उदाहरण समझ सकते हैं, तो आनंद करने जी, और ये उदाहरण भी देवी ने वही दिया। तो आनंद करने जी पूछते हैं कि क्या हमारा जो यूनिवर्स है, हम जिसमें रहते हैं, वो भी क्या जो देवी देवताओं ने लव मेक कर रहे थे या उस तरह के अलौकिक जॉय में थे, तो तब बना था क्या? तो देवी माँ कहती है हाँ। और वो ये भी कहती हैं कि फिर इतने सारे इनफाइनाइट यानी अनंत इस तरह के ब्रह्मांड है, तो सभी जगह मतलब हम जितना सोच नहीं सकते या हम जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह के ब्रह्मांड बने हुए हैं। और फिर अनंत करुणे जी बोलते हैं कि क्या हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है? तो वो कहते हैं हाँ। तो देवी माँ कहती है हाँ, हमारा जो उच्च जो स्व है, उच्च या हायर सेल्फ है, वो भी पूरी तरह से अनंत है। तो जो देवी देवता इस दिमाग के स्तर से आगे चले गए हैं, वो इस तरह के अनुभवों को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब हम मेंटल प्लेन पे रहते हैं और हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, थॉट लेवल पे रहते हैं, तो हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत पटाखे छूट रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नॉइज जो आ रही होगी वो पटाखों की है। तो यहाँ पर हमें वो लव मेकिंग, लव बिटवीन बिलवर्ड, और अपनी जो कल्पना शक्ति है उसको समझाने के लिए कि जॉय कैसे आता है, और जब हम मेंटल स्थिति से परे चले जाते हैं, वो उस स्थिति अलौकिक जॉय को उस तरह से किस तरह की डिफाइन की गई है वो बताई जा रही है। तो फिर आगे वही लव मेकिंग या हमारे जो किस तरह जन्म होता है, मतलब एक मनुष्य का जन्म क्या होता है, टू कम टू दिस प्लेस, मतलब अर्थ पे, टू कम टू दिस प्लेस इन अ ह्यूमन बॉडी, द सेक्सुअल एनर्जी मस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू वज्र एनर्जी दैट जॉइंस ऑल चक्र इनटू वननेस। देर आर मेनी राइटिंग्स ऑन दिस फॉर्म द एंशिएंट टाइम्स, बट नो बट वन नीड्स मच सरेंडर टू बी ऑन दिस पाथ। तो ये देवी माँ का उत्तर है कि हम जब हमारी जब उत्पत्ति हुई थी, या हम जब मतलब एक सेल से दो सेल या ट्रांसफॉर्म हुए थे, उसमें भी ये जो एक प्राइमोर्डियल जॉय है, उसी सेक्सुअल एनर्जी से हम वहां से ही आए हैं। तो फिर आनंद करुणे जी बोलते हैं कि ये क्या कुंडलिनी जो आप समझा रहे हैं, ये क्या कुंडलिनी योगा का मतलब रास्ता है? तो देवी कहती है कि बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सारे देर आर मेनी पाथ्स दैट सीक टू यूनिफाई द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल, इंक्लूडिंग कुंडलिनी योगा, शक्तिज्म, वज्रायना, तंत्र एंड सच। तो वह ये कहती हैं कि अनेकों जो तरीके हैं, कुंडलिनी योगा आपको पता होगा कि एक तरह का उसमें योगा प्लस मेडिटेशन इस तरह होता है, बाकी शक्तिज्म, वज्रायन या तंत्र, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये सारे रास्ते ही जो हैं भौतिक और अध्यात्म को जोड़कर आगे बढ़ने के ही बारे में हैं। वन हैज टू बी केयरफुल हाउएवर एज दीज पाथ्स रिक्वायर मच इंटीग्रिटी एंड बैलेंस फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये मैंने पहले भी सुना है, इसके लिए मैं बता देती हूँ कि कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा बैलेंस और मतलब फोकस्ड रहना पड़ता है, जैसे तंत्र विद्या वगैरह, वहां पर टीचर की भी जरूरत होती है, और फिर वहां पर लोअर चक्रा से मतलब कुंडलिनी जागृत करना, ये बाकी सारी जगहों पे ज्यादा कहा जाता है। PSSM या पत्री जी इसके बारे में ज्यादा कुछ कहते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी देवी जी कह रही हैं कि वो तरीका बहुत कुछ भी मतलब अध्यात्म की ओर जुड़ने का है, पर वो एक टीचर के साथ हम करें जो कि वो प्राप्त कर चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है इस तरह का कुंडली जागरण जागृत करना, तो उसी के गाइडेंस में हम ऐसा करें।
तो तब आनंद करोनी जी बोलते हैं कि क्या टीचर जो होता है, जो मतलब एनलाइटेंड टीचर होता है, क्या वो जो है वो गॉड जैसा होता है, या उसने गॉड मतलब भगवान को देख लिया होता है, रियलाइज कर लिया होता है, या उन्होंने उसी को एनलाइटेंड टीचर कहेंगे? तो देवी माँ फिर से हंसने लगती है। तो वो देवी माँ इसलिए हंसने लगती है, तो वो ये कहती है कि जो पहला, जब हम मतलब इस अध्यात्म में या चक्र खुलने की जो स्थिति में, जो पहली बार जब हम अनुभव करते हैं कि कुछ खुल गया है, तो वो जो है वो हम उसमें इनफाइनाइट सोर्स से मिलने का जो अनुभव है वो बहुत ही खुशी देने वाला है। लेकिन ऐसा कहना कि ये जो एक ही बार इस तरह का अनुभव होता है एनलाइटनमेंट का या मोक्ष प्राप्त करने का, और ये खुशी एक ही बार प्राप्त होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हर बार जो है मतलब लेवल्स ऑफ वो उस तरह के अनुभव होते रहते हैं। तो वो यानी कि हमें ये समझाया जा रहा है कि कोई टीचर अगर ये है भी मतलब एनलाइटेंड टीचर, तो उनके भी ग्रेडेशन होते हैं या वो भी आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम ऐसे किसी एनलाइटेंड टीचर जैसे पत्री जी या इस तरह के टीचर्स के सराउंडिंग में आते हैं, या वो हम उनके साथ काम करते हैं तो उनकी गाइडेंस में काम करते हैं, तो वे टीचर भी मतलब आगे बढ़ रहे होते हैं। हमारा तो खैर तरीका, हम जो काम कर रहे हैं, हम उनके गाइडेंस में भी इसको अनुभव कर सकते हैं। एनलाइटेंड टीचर्स आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग पाथ टू बिकम असेंडेड बीइंग्स बाय ओपनिंग ऑल ऑफ देयर 7 चक्रस। तो इस तरह का जो टीचर होता है, जो कि डिवाइन टीचर या एनलाइटेंड टीचर या इस तरह का टीचर होता है, गुरु होता है, वे भी अपने सातों चक्र को खोलने में, सातों चक्रों को बैलेंस करने में लगे होते हैं। तो लेकिन उसका रास्ता कहाँ से है कि अपने दिमाग की जो परत है, दिमाग को एम्प्टी करना है, दिमाग को खाली करना है, और तब हम उस अलौकिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो तब ये कहते हैं कि मतलब हर एक चक्र के बारे में फिर देवी माँ थोड़ा बहुत और आगे बताती हैं। अगर हमने आप पहले पहले के कुछ मतलब सेशंस इसमें से देखें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्र के बारे में ज्यादा दिया गया है। इस वाले उसमें 7 चक्रास के में किस तरह का आनंद होता है, ये ज्यादा इस 24th चैप्टर, अगर आपके पास ये बुक है तो आप 24th चैप्टर में ये पढ़ सकते हैं। तो तब वो बोल रहे हैं कि लव ऑफ द ट्रीज एंड द स्टार्स अकर विद द ओपनिंग ऑफ फोर्थ चक्र। तो 1, 2, 3 के आगे हमें बताया जा रहा है, द डेथ ऑफ द ईगो इन द थर्ड चक्र अवेकेंस द प्राइमर्डियल जॉय इन विच एवरीथिंग बिकम्स वन। यानी कि अभी मणिपुर चक्र, थर्ड चक्र, जब वह खुलता है तो तब हमें अलौकिक आनंद का अनुभव होता है, और तब हमें वननेस की अनुभव होने लगती है। और उसके ऊपर के जब चक्र, द ओपनिंग ऑफ हायर चक्रास लीड टू हायर लेवल्स ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि पहले भी वो कह चुकी हैं कि एक ही बार एनलाइटनमेंट नहीं होता, हर एक लेवल में या हर लेवल का अलग अलग क्वालिटी या जॉय होती है। तो देन द ओपनिंग ऑफ हायर चक्रास लीड टू हायर लेवल्स ऑफ एनलाइटमेंट एंड डीपर एक्सपीरियंसेस ऑफ वननेस। अ ब्लॉसमिंग ऑफ लव फॉर द ट्रीज एंड द स्टार्स अकर्स विद द ओपनिंग ऑफ द फोर्थ चक्र, यानी अनाहत चक्र। तो सभी कुछ जो वननेस के बाद भी, हमें ये भी लगने लगेगा पहाड़, पत्थर, ट्री, हम सब एक ही हैं या हम उससे जुड़े हुए हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड लव इन टू द वर्ल्ड अकर्स विद द ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ चक्र। तो इस तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चक्र में हमें अलग किस्म की जो क्वालिटी है, लेकिन होता वह भी एक अलौकिक प्राइमर्डियल जॉय से ही जुड़ने का अनुभव होता है, लेकिन वो एक किस्म से एक उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। फिफ्थ चक्र यानी कि आज्ञा चक्र जब खुलता है, तो तब हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब सभी कुछ कंप्लीट ओपनिंग हो जाती है, एंड द अल्टीमेट ओपनिंग देयर इज बियॉन्ड एग्जिस्टेंस, वो 7th चक्र हुआ होता है। तो इसीलिए
हर एक ओपनिंग, हर एक जो चक्र का ओपनिंग होता है, खुलता है, तो अलग किस्म की अनुभव होती है, अलग किस्म का जॉय होता है, ये हमें बताया जा रहा है। तो अनंत करुणी जी बोलते हैं कि क्या वो सारे चक्र, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चक्र है, तो वो क्या एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खुलते हैं, यानी कि सीक्वेंशियल लाइन वाइज खुलते हैं? तो देवी माँ कहती है कि नहीं, जो कुछ कई सारे चक्र हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले के बाद दूसरा तीसरा, इस तरह का कोई बात नहीं है। जब पहले के तीन चक्र खुल जाते हैं तो तब भी किसी व्यक्ति को ये लग सकता है कि वह मतलब मोक्ष पा चुका है, निर्वाणा पा चुका है, एनलाइटेंड हो चुका है। लेकिन फिर उसके बाद भी कई सारे मतलब और भी कई सारे गोल्स हमें प्राप्त करने होते हैं, यानी फोर्थ फिफ्थ सिक्स चक्र के आगे भी हमें अटेन करना होता है, हायर लेवल ऑफ एनलाइटेनमेंट। तो आप तो फिर आनंद करने जी कहते हैं कि आप ये कहना चाहती हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो, उनमें भी थोड़ी बहुत ईगो सी होती है क्या? हाँ, तो वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत ईगो, लेकिन मेडिटेट 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 जो टीचर्स भी होते हैं उनको भी ध्यान करके अपने सभी चक्रों, ऊपर के फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन चक्र को ध्यान से ही उसमें आगे बढ़ते हैं। तो फिर आनंद करोने जी बोलते हैं कि सातवां चक्र जब खुलता है तो तब कैसे, मतलब क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर ऑल सेवन चक्रास आर ओपन एट दिस पॉइंट, वन हैज सरेंडर्ड ऑल, वन इज एबल टू एज अ ह्यूमन एंड वन हैज असेंडेड बियॉन्ड द अर्थ एंड द हेवंस। तो जो भी हम सुनते हैं, जिस भी लोगों के बारे में हम सुनते हैं, उसके आगे का जो एनलाइटेनमेंट है वह सब सात चक्र जब खुल जाते हैं तब होता है। तो ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट था, तो आज पूरा ये सेशन 24 चैप्टर का ही लेंगे, आगे 25वां चैप्टर हम बाद में करेंगे। तो आनंद करुणे जी मतलब ये कह रहे हैं कि या इस चैप्टर में हम सारांश में ये समझते हैं कि तीनों चक्र खुलने पर भी हमें एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है, एनलाइटेनमेंट प्राप्त होती है, लेकिन हर एक फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ चक्र तक खुलते खुलते भी अलग अलग किस्म के जॉय, अलग अलग किस्म के आनंद का अनुभव होता है। और जो टीचर हमें इस तरह प्राप्त कर भी चुका है, अगर हम वो हमें गाइड करे तो हम मतलब वो टीचर भी आगे बढ़ रहा होता है, तो टीचर्स को भी, एनलाइटेंड टीचर को भी आगे बढ़ने की कई सारी स्थितियां हैं, और हम तो स्टूडेंट ही हैं। खैर, हमें सिर्फ ये बातें समझना है हम जानकारी के लिए, या हम भी इस तरह के अपने आगे बढ़ें और अपनी ऐसा इंटेंशन रखें, तो हमें इस इन पड़ावों पर से गुजरना पड़ेगा, ये कुछ हम बताया जा रहा है। तो देवी माँ कहती हैं कि जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ इज फॉर एवर, यानी बढ़ने की जो संभावना है वो हमेशा ही बनी रहती है, चाहे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो चाहे टीचर हो। ओ, तो आनंद करुणे जी बोलते हैं कि इसका मतलब तो जो बढ़ने की स्थिति है या ध्यान की स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं होता कि अब हम यहाँ पर पहुंच गए तो बस अब हो गया, मोक्ष मिल गया, नहीं। तो देवी माँ कहती है, हाँ नहीं, ग्रोथ जो है, बढ़ने का जो क्री कर्म है वो बढ़ता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। तो आनंद करुणे जी यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं चिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में। तो कहते हैं आनंद करुणे जी कि जिड्डू करे कर मतलब जिड्डू कृष्णमूर्ति, ये इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस, अभी तो नहीं है, पिछले सेंचुरी के काफी फेमस टीचर रहे हैं, उनकी किताब काफी चर्चित है। तो जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में आनंद करुणे जी बोलते हैं कि क्या आप थोड़ा उनके बारे में बता सकती हैं? तो देवी माँ कहती हैं कि वे मतलब पांचवें चक्र तक, यानी अनाहत तक उनका खुला हुआ था, और कई सारे टीचर्स अनाहत तक उनका जो चक्र है वो खुल गए थे। वो क्योंकि, और वे काफी कुछ बोलते रहते थे कि हमें दिमाग के परे कैसे जाना है, या दिमाग ही हमारा मतलब एक किस्म से, हमने जो हमारे थॉट्स
थॉट सिस्टम है वही हमें सीमित कर रहा है, इसके बारे में वो काफी कुछ कहते रहते थे। तो ये देवी तो अनंत करुणी जी बोलते थे, क्या पता अब क्या वे कुछ और टीचर्स को भी या कुछ और स्टूडेंट्स को भी एनलाइटन कर सकते थे अगर वे अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते। तो देखिए, तो फिर देवी माँ इसके बारे में कहती हैं कि नहीं, मतलब उनका जो मैसेज था, उनका जो संदेश था, वो उनका संदेश था। जो बिलीफ सिस्टम के बारे में वो कह रहे थे वो उनका संदेश था, तो वो उसी बात पे छोड़ देती है। सो लेकिन फिर सो वो कहती है कि हम दिमाग, तो आनंद करुणी जी मतलब इसमें जिद्दू करे कृष्णमूर्ति की, अगर आपने थोड़ी बहुत भी नोट्स या कुछ बुक्स पढ़ी हैं तो उसमें काफी कुछ लॉजिकल या मेंटल लेवल पर काफी कुछ बताया गया है। तो डोंट वी अंडरस्टैंड एनी मैसेज यूजिंग द माइंड। तो अनंत करुणी जी को डाउट आ जाता है कि जब हम लॉजिकल बात पढ़ते हैं, ज्ञान की बात पढ़ते हैं, तो क्या उससे हमें हम तो वो दिमाग ही यूज कर रहे हैं उस संदेश को समझने के लिए। तो देवी माँ कहती है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ टू गेट आउट ऑफ अ थिंकिंग माइंड, वन कैन डायरेक्टली एंगेज इन प्रैक्टिसेस दैट यूज वंस बॉडी। तो मैं ये थोड़ा शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये एक चैप्टर का, ये वाला पैराग्राफ काफी अच्छा सा है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, मतलब ये कहा गया है कि अब हम दिमाग से ना सोचे, तो ये वाला भी तो जो हम अभी कर रहे हैं ये भी तो एक किस्म से हम दिमाग का ही प्रयोग कर रहे हैं इस नॉलेज को जानने का। तो तब देवी, तब ये काफी मतलब हमारा भी प्रश्न हो सकता है, तो हम दिमाग ना यूज करें तो फिर क्या यूज करें। तो देवी माँ कहती है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ टू गेट आउट ऑफ अ थिंकिंग माइंड, वन कैन डायरेक्टली एंगेज इन प्रैक्टिसेस दैट यूजेस वंस बॉडी सोल एंड हायर सेल्फ टू डिसॉल्व द माइंड। डिवोशन टू डिवाइन बीइंग्स विद प्रेयर चांट्स एंड मंत्रास कैन आल्सो हेल्प डिसॉल्व द माइंड। तो ये हम पहले भी किसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दिमाग मतलब लॉजिकल समझना भी ठीक है, यानी ज्ञान स्वाध्याय ये भी सही है, लेकिन उसी के साथ साथ उससे दिमाग से परे जाने के लिए हमें अपना और तरीके इस्तेमाल करने हैं। अर्थात कि हमें चैंटिंग, ओम का जैसे चैंट करते हैं, मंत्रोच्चारण करना इस तरह के, या प्रार्थना करना, या हम जो ध्यान करते हैं वो तरीके अपनाकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वाली बात हमें पहले भी जब एम्प्टीनेस समझाया जा रही थी तभी ये बताया गया था। तो ये वाली जो चैप्टर है वो काफी मतलब काफी उसमें श्री राम कृष्ण के बारे में भी बताया गया है, जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में बताया गया है कि उनका तरीका क्या था। जैसे रामकृष्ण ने काली माता का मतलब एक किस्म से सरेंडर कर दिया था, तो उनका वो तरीका था। या बुद्धा का तरीका अलग था, उनका जो एसेंशन का या उनके तरीका अलग था। उसी तरह अंगुलीमाल का भी तरीका, आपको अगर स्टोरी पता होगी अंगुलीमाल की, तो उनका भी तरीका अलग था। तो वो कहने लगते हैं कि तब ये इनके बारे में कुछ कुछ मतलब इन गुरुओं के बारे में भी कुछ बताया गया है। तो तब आनंद करुणी जी पूछते हैं, मतलब रामकृष्ण जी, जिड्डू कृष्ण मूर्ति, अंगुलीमाल, इनके बारे में बताया गया। तो फिर आनंद करुणी जी बोलते हैं, अच्छा तो फिर इस तरह के जो बीइंग्स हैं, यानी असेंडेड बीइंग्स हैं, जो फिफ्थ चक्र या सिक्स चक्र भी खोल चुके हैं, तो वे क्या पृथ्वी पर अभी भी हैं या इस समय मौजूद हैं। तो नो, तो देवी माँ कहती है नो, बट सम हैव ओपन सिक्स चक्रस एंड आर ऑन देयर वे। अर्थात कि सातों चक्र खुले हुए ऐसे कोई मनुष्य है, ये प्रश्न है। तो लेकिन वो देवी माँ कहती है नो, लेकिन इस तरह के कई हैं जिनके छहों चक्र जो है, यानी कि वो उनके लिए पास्ट प्रेजेंट भी कुछ नहीं है, उनके लिए वो वेलनेस में हर समय रहते हैं और वह हर समय जॉयफुल फील करते हैं। उस तरह के सिक्स चक्रास खुले हुए लोग और उससे भी आगे बढ़ रहे लोग हैं। तो वो कहते हैं कि जो टीचर होते हैं वो कई सारे मिलियन लोगों के लोअर चक्रा को खोलने में उनकी मदद करता है।
और तब हम इस तरह के, तो तब इसमें और भी बात होती है कि सम बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स से दैट गॉड एंड गॉडेसेस आर लोअर देन असेंडेड बींग्स। तो ये वाला थोड़ा बहुत हमने पहले भी यूज किया, मतलब पता किया है कि जो बुद्ध, मतलब बुद्धिज्म में असेंडेड बींग्स, अरिहंत या इस तरह के जो बताया गया है, वो क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सेवेंथ चक्रा, जिसके सिक्स चक्रा भी खुल गए हैं, वो टीचर भी जब संदेश देता है या उसके स्टूडेंट्स भी जब उसके साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चक्रा खुलने लगते हैं। तो ये कहती है कि देवी माँ आखिरी में ये इस आखिरी पैराग्राफ में ये कहती है कि इस तरह के जो भगवान हैं, जिनके कि सातों चक्र खुले हुए हैं, या छह चक्र खुलने के बाद भी सातों चक्र खुलने की स्थिति में हैं, इस तरह के देवी देवता जो हैं, वे उनके ही बारे में सरस्वती माँ ने अपने सोल ट्राइब यानी कि पहले वाले जो सेशंस हुए हैं उसमें बताया गया है। तो ये था आज का अध्याय, 24वां अध्याय, और काफी अच्छा है, इसको बार बार पढ़ सकते हैं। फ्लावर्स ऑफ जॉय से भी अगर आपके पास बुक है, आप खरीद के जरूर पढ़ें। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू, और कल या आगे का सेशन, 25वें सेशन लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। स्पिरिचुअल स्पायरल्स की तरफ से भैया दूज, गोवर्धन पूजा और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, सभी का कल्याण हो, नमस्ते। बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए।